हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस तरह के जो ब्लैक कलर के पॉट होते हैं आपके गार्डन में, बालकनी गार्डन में, टेरेस गार्डन में ज़रूर रखे होते हैं, क्योंकि आप इनमें नर्सरी से बहुत ही सुंदर से प्लांट्स लेके आते हैं और फिर रंग बिरंगे पॉट्स में लगाकर जब भी खाली हो जाते हैं तो आप इनको एक साइड में कहीं कॉर्नर में रख देते हैं। बहुत सारे होल्स इनमें बने होते हैं क्योंकि नर्सरी में इनका यूज़ कटिंग्स ग्रो करने के लिए किया जाता है। तो आमतौर पर जब आप इनको खाली कर देते हैं तो फिर इनका आप इनका कोई यूज़ नहीं करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको पॉट पेंटिंग का एक बहुत ही इजी सा मेथड बताने वाली हूँ, जिसको कि आप भी पसंद करेंगे और आपके 7-8 साल या उससे ऊपर की एज के जो बच्चे हैं वो इसको करना बहुत ही पसंद करेंगे, क्योंकि नया साल आने वाला है और उससे पहले आएगा क्रिसमस। तो अपने बच्चों से इस क्राफ्ट को आप ज़रूर करवाइएगा। ये पॉट पेंटिंग आप अपने बच्चों से करवाएंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान होगा और वो आज के बाद आपको बिल्कुल नहीं फेंकना है। मोस्टली तो लोग इनको कबाड़ी को दे देते हैं, लेकिन इनका अच्छा खासा साइज़ होता है। नीचे से ये काफ़ी चौड़े होते हैं, 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच का इनका साइज़ होता है और इनमें काफ़ी सारी मिट्टी आ जाती है। और चलिए शुरुआत करते हैं कि वो मेथड कैसे हैं और उनमें हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले इन गमलों को हमें अच्छे से पानी से धुल लेना है। तो कई बार ऐसा होता है कि इन पर बाहर बहुत ही ज़्यादा सख्त मिट्टी चिपकी होती है, तो उन्हें भिगो दें और उसके बाद अच्छे से वॉश कर लें। और अगर मिट्टी तब भी नहीं उतर रही है तो किसी ब्रश की हेल्प से या स्टील स्क्रबर की हेल्प से आप अच्छे से रगड़ के साफ कर लें और उन्हें सूखने के लिए एक साइड में रख दीजिए। उसके बाद बारी आती है कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए टेप। आप किसी भी तरह की टेप ले सकते हैं, पेपर टेप, ब्लैक टेप या सेलो टेप, यानी कि जो ट्रांसपेरेंट टेप होती है। ब्लैक कलर का पॉट है तो हम ब्लैक टेप को तो उस पर यूज़ नहीं करेंगे। आप सेलो टेप ले सकते हैं, पेपर टेप या जैसी कलरफुल कोई भी टेप आती है तो उनको यूज़ करना है। इनमें से कोई भी टेप आप यूज़ कर सकते हैं, तीनों को एक साथ आप नहीं यूज़ करें। अब हमें इनको चिपकाना होगा। दोस्तों देखिए, आप बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिए कि मैंने ज़िगज़ैग तरीके से आड़ी तिरछी किसी भी शेप में इनको बस चिपका दिया है और कोई निश्चित पैटर्न नहीं है, कोई लेफ्ट में कोई राइट में। इसी तरह से आपको ये टेप को इस गमले पर चिपका देना है। प्लास्टिक का गमले पर टेप बहुत ईजीली चिपक जाती है। आपके बच्चे जब इस पर टेप चिपकाएंगे तो उनको बड़ा मज़ा आएगा, तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि बच्चों से ये क्राफ्ट ज़रूर करवाइएगा ताकि उनको एक नया चीज़ लगे। उसके बाद बारी आती है कि हमें कलर चाहिए, तो आपको कलर कौन से चूज़ करने हैं। कोई भी ऐसे कलर जो प्लास्टिक की सरफेस पर आप कर सकते हैं। दोस्तों मैं अपने ज़्यादातर DIY में फैब्रिक कलर का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये प्लास्टिक की सरफेस पर ईजीली हो जाते हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और इनमें चमक होती है, पानी से ख़राब नहीं होते, तो ये बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। अब शुरुआत करते हैं कलर करने की। टेप के बीच में जो आप हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पर आपको कलर फिल करने हैं, तो अपनी मर्जी से आप कोई भी कलर कर सकते हैं। पूरे गमले में आप एक ही शेड भी कर सकते हैं, मैं अलग अलग शेड यूज़ करूँगी ताकि गमला कलरफुल लगे। आप इसकी 2-3 कोट करिएगा, क्योंकि ब्लैक कलर के प्लास्टिक पॉट पर जब आप किसी भी तरह का कलर करते हैं, पेंट करते हैं, तो उसमें वो दिखता रहता है, इसलिए 2-3 कोट करने पर वो ब्लैक कलर बिल्कुल छिप जाता है। तो 2-3 खाने छोड़कर आप अलग अलग तरह के कलर यूज़ करें, जैसे पिंक यहाँ पर किए हैं, फिर 2-3 खाने छोड़कर किसी दूसरी जगह कर दीजिए। उसी तरीके से बाकी कलर को भी आपको इसी प्रकार से करते जाना है। सूखते जाएँ तो फिर आप उसमें 2-री कोट करिए। और पिंक को करने के बाद मैंने ग्रीन किया है, अभी 1 शेड और बाकी है, तो मैंने 5 शेड यूज़ किए हैं, पिंक, येलो, ग्रीन, वाइट और ब्लू। जब ये अच्छे से सूख जाए तब आपको इसकी टेप हटानी है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैं टेप को किस तरीके से हटा रही हूँ, इसी तरीके से आपको भी टेप को हटाना है। और बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करें, क्योंकि ये टेप बहुत ईजीली हट जाती है, ऐसे परमानेंटली नहीं चिपकती हैं। इस वीडियो में आप जगह जगह ये भी देख रहे होंगे कि कहीं कहीं आउटलाइन से बाहर ये पेंट आ गया है, लेकिन ये पेंट बहुत ईजीली आप नाइफ की हेल्प से हटा सकते हैं। तो जहाँ पर आउटलाइन से बाहर आ गया है वहाँ पर आप चाकू से खुरच के थोड़ा सा अलग कर लीजिए। अब आप देख पा रहे हैं कि कितना सुंदर, कितना प्यारा लुक आ रहा है इस गमले का। इस तरह के और भी पॉट रखे हैं, आप देखिए काला सा भद्दा सा पॉट कैसे कलरफुल सुंदर से पॉट में चेंज हो गया है।
पिंक की जगह अगर आप ऑरेंज कलर यूज़ करते हैं, रेड कलर यूज़ करते हैं तो भी बहुत अच्छा लुक आता है। इसमें बहुत सारे होल बने होते हैं, तो आप इसमें कोई भी बारीक सा कपड़ा रख के डायरेक्टली इसमें कोई प्लांट लगा सकते हैं। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि विंटर के बहुत ही प्यारे से जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको आप लगाइए। मैं इसमें आपको एक और आइडिया दे रही हूँ, मनी प्लांट का एक गमला मैंने इसमें आपको रख के दिखाया है। देखिए प्लांट रखते ही इसका लुक एकदम से चेंज हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। कोई भी ऐसा पुराना गमला जो सेम साइज़ का हो, भद्दा दिखता हो बाहर से, उसको आप इसके अंदर भी रख सकते हैं तो भी ये एक अच्छा आइडिया होगा। और अगर नहीं भी यूज़ कर सकते हैं तो आप खाली इस गमले को बस अपने गार्डन में रख लीजिए, बहुत अच्छा सुंदर लगेगा। आई होप पॉट पेंटिंग का ये मेथड आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि इस तरह की जब वीडियो आए तो आपके पास एकदम से नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक हैप्पी गार्डनिंग, गो ग्रीन फ्रेंड्स।